नमस्कार दोस्तों, गिल्ली डंडा के इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम है आर्टिकल 15, जो पूरे देश भर में 28 जून को रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म को निर्देशित किया है अनुभव सिन्हा ने। यह अनुभव सिन्हा वही निर्देशक हैं जिन्होंने पिछले साल एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुल्क, जिसने टीवी डिबेट को एक नया मुद्दा दे दिया था। अनुभव सिन्हा की ये खासियत है कि वो समाज से जुड़ी हुई समस्याओं पे फिल्में बनाते हैं, या यूं कहें कि समाज के उन पहलुओं पर फिल्म बनाते हैं जिसे हम रोज़ या अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्हें फिल्मों के माध्यम से तंज कसना बखूबी आता है। अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म आर्टिकल 15 आजकल बहुत चर्चा में है। इस फिल्म का ट्रेलर उन कास्टिज्म सिस्टम पर तंज कसता है जो समाज के एक तबके को औकात में रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि वो संविधान को नहीं मानते। वो बाप हैं, वो खुदा हैं, वो ही भगवान हैं। मांझी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मांझी? मांझी मांझी हैं। ऊंची जात के? ब्राह्मण है सर। जाटव जी, आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जात है? नहीं नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी है। मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कानने कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सरयू पाली? What the fuck is going on here? उनकी इजाजत के बिना ना तो कोई मंदिर में प्रवेश कर सकता है और ना ही बारात निकाल सकता है, और औकात में तो हमेशा ही रहना होगा। ये उस किताब की नहीं चलने देते जिसकी ये शपथ लेते हैं। सिन्हा बताना चाहते हैं कि ये तब भी होता था और अब भी हो रहा है, तो कैसे ये नया भारत है। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे समय में ये फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिन्हा की ये खासियत रही है कि ऐसी फिल्में बनाकर वो समाज को हमेशा ये बताना चाहते हैं कि आप भले ही 21वीं सदी में कदम रख चुके हों, पर आपकी सोच तो अभी भी संकुचित ही है। नमस्कार, आप देख रहे थे दी गिल्ली डंडा शो। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल दी गिल्ली डंडा शो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।